तो पास्टर जी एक बिल्ली लेके आए और छोटी सी बिल्ली थी, बिल्ली का बच्चा था, तो उसको सब लोग पेड़ पे चढ़ाना सिखा रहे थे। पास्टर, उसका परिवार, उसके छोटे छोटे बच्चे सब बिल्ली को एक झाड़ के ऊपर चढ़ा दिया और बिल्ली छोटी थी वो, तो झाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। अचानक से बिल्ली का पांव फिसला और वो लटक गई, और मतलब लटकी हुई है झाड़ में, वो नीचे आने की कोशिश नहीं कर रही है। तो सब लोग घबरा गए, हाय हाय हाय, बिल्ली का बच्चा फंस गया, ये क्या कर दिया हमने, हमने बिल्ली का बच्चा उतारना। तो पास्टर जी दिमाग लगाया, नहीं, पास्टर का दिमाग थोड़ा अलग रीति से चलता है आपको मालूम है। तो उसने बोला, मैं ऐसा लगता हूँ अपनी गाड़ी लेके आता हूँ, गाड़ी को बांधूंगा, गाड़ी की रस्सी बांधूंगा पेड़ के साथ, और पेड़ को मैं धीरे धीरे खींचूंगा, ठीक है। और अपनी बीवी को बोला, जैसे ही पेड़ नीचे आ जाए बिल्ली का बच्चा उतार लेना, ठीक है। सबने बोला, वाह भाई क्या कमाल का आइडिया दिया। कर दिया जी, पेड़ लगाया, पेड़ को खींचा और वो गाड़ी लेके धीरे 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 चल रहा है। बिल्ली भी नीचे आ रही है, बिल्ली को भी लग रहा है भाई मेरे मेरे को पकड़ने वाले हैं। तो हुआ ऐसा कि पास्टर जी ने एक चीज नहीं देखी थी कि रस्सी कच्ची थी, रस्सी कट गई और बिल्ली का बच्चा उछल के पता नहीं कहां गया, किसी को भी नहीं पता चला। हर कहानी में हैप्पी एंडिंग थोड़ी ना होती है, कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं। चलो छोड़ो, आगे देखते हैं। फिर ऐसा हुआ, पास्टर जी 2-3 दिन के बाद अपने पड़ोस में विजिटेशन के लिए पहुंचे, और जैसे ही उन्होंने घंटी खटखटाई तो देखते क्या है, उनका बिल्ली का बच्चा बहन मेहरुनिसा के घर में घूम रहा है। अब पास्टर जी सोचे, मैं बोलूं कि ये मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे लेकर आए हैं, ये बिल्ली के बच्चे को क्या बोलूं, अब मैं क्या बोलूं। वो पूछते, जी ये बच्चा कहां से मिला आपको? बहन ने बोला, पास्टर जी आपको विश्वास नहीं करेंगे, मेरा बेटा कह रहा था कि बिल्ली का बच्चा लेके आओ, और अपना ये ना बच्चे जब जिद करते हैं, तो मैंने बोल दिया कि हम पीछे जाएंगे आंगन में और हम प्रार्थना करेंगे, अगर प्रभु यीशु ने बिल्ली का बच्चा दे दिया तो हम रख लेंगे, और नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम नहीं लाएंगे। तो पास्टर जी मेरे बेटे की प्रेयर सुनो, हम प्रेयर कर ही रहे थे कि हवा में से उड़ता हुआ ये बिल्ली का बच्चा हमारी गोद में आ गया, ठीक है जी। किसी ने फेंका, किसी ने पकड़ा, इस बात को समझ लीजिए, किसी ने फेंका और किसी ने पकड़ा। बहुत सारे लोग परमेश्वर के अभिषेक को पकड़ नहीं पाते, आते तो हैं उसके आजू बाजू, घूमते हैं और कलीसिया जाते हैं, मगर उस अभिषेक में से निकाल पाना एक अलग बात है। और आज हम, पिछले हफ्ते अगर आप मेरे साथ थे तो हमने देखा था कि उस अभिषेक में से निकाल पाना बहुत अलग एक चीज है। आज हम देखेंगे कि हम कई बार अपनी जिंदगी में अभिषेक को कैसे ठुकरा देते हैं, कैसे हम आगे बढ़ जाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करे। बहुत बार ऐसा रहता है कि परमेश्वर अपनी जिंदगी को हमारे अंदर डाल देना चाहता है, पोर आउट करना चाहता है, और हम उसको लेना नहीं चाहते। हमारे पास एक कुत्ता लेकर आए थे, और जैसे हर भारतीय परिवार में होता है, अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उसको खिलाना जरूरी है। तो कुत्ता बड़ा क्यूट था, छोटा सा था, कभी मैं खिलाऊं, कभी मेरा भाई खिलाए, और हर 2-2 घंटे 3-3 घंटे में हम उसको खिलाए जा रहे खिला, और आप उसका पेट इतना गोल हो गया, इतना मोटा हो गया, और फिर भी हम दूध लेके आ रहे हैं, मीट लेके आ रहे हैं, कुत्ता खा नहीं रहा क्योंकि उसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ था। मैंने पहली बार देखा कि जानवर खाने को मना करता है। उसी प्रकार से इंसान भी जब उसका पेट अंडशंड बातों से भरा होता है, वो सही चीज को खाने के लिए मना कर देता है। हमारी भूख किस लिए है? आज हम अपनी भूख को कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं? हर आदमी भूखा है जो यहां पर बैठा, ठीक है, हर किसी के भूख का कुछ नाम है। किसी को पैसे की भूख है, किसी को इज्जत की भूख है, किसी को बंगले मकान की भूख है, किसी को शायद परमेश्वर की भूख है, किसी को पवित्र आत्मा की भूख है, किसी को वचन की भूख है, और ये हम सब अलग अलग जगह पर भूखे हैं। मगर हम अपनी भूख को सेटिस्फाई कैसे करते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप जाने आपकी भूख का नाम क्या है, आपकी भूख का नाम। कुछ प्यार के भूखे हैं। हमने अभी पिछले 14 फरवरी को हमने मीटिंग किया था, 14 फरवरी को ही किया था। हाँ, अगर आप यूथ वाले हैं, आप उधर मीटिंग में होते, तो हमें, मैंने लोगों को बताया था कि इश्क करने के कुछ रूल्स होते हैं बाइबल के हिसाब से। वो रूल्स क्या है, और जब हम उन रूल्स को तोड़ देते हैं
तो हम अपनी जिंदगी में बड़े मसलों को अंदर लेकर आते हैं। तो हमारे भूख का नाम क्या है और हम उस भूख को कैसे तृप्त कर सकते हैं? अगर आपके पास आपकी बाइबल्स है तो उसको पहला राजा का 19 के 17 से 21 तक हम पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 19 में 17 से लेकर 21 तक हम पढ़ेंगे। और अपनी उंगलियां उस पे रखते हुए रोमियो 8 का 29 से लेकर 31 तक भी साथ में पढ़ेंगे। दोनों बातों को आज हम बहुत गहराई से देखेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बहुत क्लोजली बात करेगा और कई सारी छुटकारे, कई सारी आजादियों को हम रिसीव करने वाले होंगे। कितने लोग आजादी रिसीव करना चाहते हैं? कितने लोग सुस्त है? है? सुस्त है? थोड़ा अंधा कंधा वंदा दबाओ थोड़ा थोड़ा, जैसे वो सॉस के बॉटल को दबाने से सॉस निकलता है, टूथपेस्ट को दबाने से टूथपेस्ट निकलता है, वैसे थोड़ा दबाओ जोश निकलेगा। आमेन। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। आपके पास आ गया है पहला राजा 19 का 17। आमेन। और वहां पर परमेश्वर का आत्मा एलिया से यूं कहता है, और हजायल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मारे, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसे एलीशा मार डालेगा, तो भी मैं 7,000 इसराइलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा। तब वह वहां से चला गया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। आपने कभी हल जोता है? पहलियां होंगी बहुत सारे लोगों के पास। हल जोतना मालूम है? हल से जुताई करी है कभी? अब तो ट्रैक्टर आ गए, मगर हल से किसी ने जुताई करी है? नहीं करी। ओके। कभी देखा है हल जोतते हुए लोगों को? गुड। तो मुझे मालूम है कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है जी। और स्वयं 12वीं के साथ होकर वो हल जोत रहा था, उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पे डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा कि मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल को लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पकाकर अपने लोगों को दे दिया और उन्हें खाया। तब वह कमर बांध कर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। और ये कहानी उस समय की है जब एलिया जेजेबेल से भाग रहा था। ये कहानी उस समय की है जब अहाब इज़राइल का राजा हुआ करता था और परमेश्वर ने उसको राजा नियुक्त किया था। और राजा से एक गलती हो गई कि उसने एक ऐसी सुंदर लड़की देखी जिसके ऊपर वो फिदा हो गया, है ना। और फिदा होने के बाद उसको मालूम चला कि ये लड़की जो है एक बाल की पुजारन है, और उसने कैसे इस राजा के घर में वो स्त्री आती है जिसका नाम जेजेबेल है, और वो पूरे देश को बाल का पूजा में लगा देती है। एक गलत कदम जिंदगी बदल देता है। तो जितने लोग शादी करने की उम्र में हैं, ये जान लें कि बाइबल यूं कहती है कि किसी असमान जुए में ना जुते, क्योंकि जब आप किसी असमान जुए में जुते हो आप टेढ़े हो सकते हो, आप दिशा भटक सकते हैं। और यहां पर ये लिखा है कि एलिया जो एक तिशबी था, तिशबी का मतलब एक गिलाल की जगह पर रहने वाला एक छोटे से परिवार से आने वाला व्यक्ति, उसको परमेश्वर अभिषेक करता है। और एलिया अपने मुंह से अहाब को कहता है कि बारिश नहीं होगी, और वहां पर बारिश नहीं होती, अकाल पड़ जाता है। उसके बाद एलिया जाता है और कार्मेल पर्वत के ऊपर वो बाल के दे जितने भी याजक हैं उन सबका खुल्लम खुल्ला मजाक बना देता है। वहां पर एक वेदी डालते हैं और वहां पर बाल के देव जो याजक है उनको कहता है कि तुम अपने देवता को बुलाओ और देखो कि तुम्हारा ये सामान वो ग्रहण करता है कि नहीं। और ऐसा होता है कि बाल चीखने पुकारने के बाद भी वो लोग अपने आप को
खंजर से काट रहे हैं, खून बहा रहे हैं, कुछ नहीं होता। एलिया एक सेकंड में पुकारता है और आग उतर आती है और परमेश्वर का सामर्थ वहां पर होता है। और उस आग के उतरने के बाद वहां पर बारिश होती है और एलिया अहाब के घोड़ों और रथों से आगे दौड़ने लगता है। ये एलिया की कहानी है। एलिया अकाल में जाता है, उसके बाद वो परमेश्वर की आग बुलाता है, उसके बाद बारिश होती है और उसके बाद वो बल पाता है और वो घोड़ों से आगे दौड़ने लगता है, मगर कहीं ना कहीं वो डर जाता है। जब आप 19वीं आयत की शुरुआत को पकड़ेंगे तो वहां पर यूं देखते हैं कि जेजेबल अपने कुछ एजेंट्स को एलिया के पास भेजती है, बोले मैं तुझे मरवा दूंगी, और एलिया डर जाता है। एक डरा हुआ अभिषिक्त दास, अगर आप मुझे मरवाना ही चाहती थी तो सीधा ही मरवा देती, आप मुझे धमकी नहीं देते। कई बार शैतान हमको धमकी देके बिठा देना चाहता है ताकि हम अपने मुंह को बंद कर लें। कई बार शैतान हमको हमारी जबानों को बंद करता। भविष्यवक्ता का मतलब क्या है? जो अपने मुंह के फल से जीवित है। बाइबल बोलती है कि जिंदगी और मौत का जो फल है वो तुम्हारी जबान पर है, और शैतान चाहता है कि आपकी जबानें बंद रहे, आप अपने मुंह से हालेलुया ना बोले, आप अपने मुंह से प्रार्थना ना करें, आप डरे रहे, सहमे रहे, लोगों को पता ना चल जाए कहीं तुम मसीह हो। आज हम शायद एक मसीह एनवायरनमेंट में बैठे आसान है, कल को आप अगर हम गुजरात में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, बंबई में जाएंगे, हालेलुया खुल के बोलना भी बड़ा मुश्किल। और शैतान चाहता है कि आप अपनी जबान को बंद करके रखें। क्यों बंद करके रखें? क्योंकि आप जब जिंदगी बोलेंगे तो आपके अंदर से जिंदगी का स्रोता फूट निकलेगा। जेजेबेल ने एलिया को डराया और एलिया कहता है मैं मर जाना चाहता हूं, परमेश्वर तू मुझे मारता क्यों नहीं, ये स्ट्रगल बहुत हो गया। एक परमेश्वर का अभिषिक्त दास। और मैं कई सारे प्रचारों को सुनता हूं, हमारे पास पावर आ गया है, हम कुछ भी कर सकते हैं, गिली गिली छू। वो जो कह रहे हैं और ये जो कह रहा है, इस दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। पावर का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर परमेश्वर आपको कुछ देता है तो वो परमेश्वर आपसे कुछ उम्मीद भी कर रहा है कि जो मैंने तेरे को दिया है उसका आप क्या करना चाहते हैं। यहां पर ऐसा है कि एलिया परमेश्वर से दुआई कर रहा है कि यार मेरे से और नहीं झिल रहा, मैं और ये लड़ाई को नहीं कर सकता। क्योंकि आपको कितने को मालूम है पवित्र रहना बहुत मुश्किल है, कितने लोगों को मालूम है कि सारी दुनिया जब पुट्ठे काम कर रही है सीधा काम करना मुश्किल है, क्योंकि बाकी जो पुट्ठे काम कर रहे हैं आपको बेवकूफ समझेंगे। सारी दुनिया उसके खिलाफ हुई पड़ी है, और ये परमेश्वर का अभिषिक्त दास जो आसमान से आग बुला सकता है, परमेश्वर के सामने कह रहा है यार मैं मर जाना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है ठहर जा, तूने अभी एलिशा को पुकारना, तेरा काम खत्म नहीं हुआ, तेरा काम खत्म नहीं हुआ। बोलो मेरा काम खत्म नहीं हुआ। चाहे आप 60 साल के, 70 साल के, 6 साल के, आपका काम खत्म नहीं हुआ है। जब तक परमेश्वर ना बोले आपका काम खत्म नहीं हुआ है, तब तक आपका काम खत्म नहीं हुआ। बोलो मेरा काम, मेरा तो नहीं हुआ मुझे पता है इसलिए मैं चल रहा हूं। कौन बोल रहा है आपका काम खत्म नहीं हुआ? बोलो मेरा काम खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। तब तक रिटायरमेंट की भी नहीं सोचना है। आपको मालूम है सेवकाई में रिटायरमेंट नहीं होता, एक बार माइक पकड़ लिया तो कब्र में भी ऐसे ही जाएगा। हालेलुया। और यहां पर ऐसा है कि एलिशा जिसके पास 12 जोड़ी बैल है, इसका 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 मतलब आप ऐसे लगा सकते हैं आज के जमाने में इसके पास 12 ट्रैक्टर, 11 ट्रैक्टर के ऊपर कोई और बैठा है और वो 12वीं ट्रैक्टर को ये चला रहा है। सुनो 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 एलिशा, मेरा डैनी कहाँ है? डैनी आज बाहर है। डैनी अंदर आ जा, ये बेस्ट आदमी है, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन देना है। डैनी के बारे में खास बात है, आप इसको कुछ भी बोलिए ईमानदारी से करता है, ईमानदारी से करता है, और ये इसकी बेस्ट क्वालिटी है। ठीक है डैनी, अब तू एलिशा की एक्टिंग करेगा, जल्दी आ, फट भाग क्या। ये डैनी है, ये शफात का, आज से ये डैनी नहीं है, ये शफात का एलिशा है जिसके पास 12 जोड़ी बैल है। मतलब इसका मतलब कितनी खेत होगा उसके पास, खेतों पे खेत, खेतों पे खेत, खेतों पे खेत। और यहां पे 12 जोड़ी बैलों में 11 जोड़ी इसने लोगों को दे रखा है और 12वीं जोड़ी पे खुद काम कर रहा है। यू नो, एक अच्छा बॉस कौन होता है जो पहले खुद काम करके दिखाए? ठीक है, तो ये अच्छा बॉस है। और ये बैल, खेत बैल जोतना आता है तेरे को? जरा बैल जोत।
हाँ हाँ ऐसा ऐसा इधर ऐसा 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 जो ऐसे वाले हमको वो वाली पहली चाहिए, वो देख देख दिख रहा है ना पपरूल तक हमारे को चाहिए, ठीक है तू जोतता रह ठीक है। और यहां से एलिशा आता है, एलिया आता है, तू जोतता रह, तू एक जगह पे खड़े होके जोतना। और परमेश्वर का वचन एलिया के ऊपर आता है और ये डैनी से कुछ कहता नहीं है, उसके ऊपर अपना चादर छोड़ता है और आगे निकल जाता है। ये खेत में बैल चला रहा है। अब सुनो, अरे ये इसके पास दो तरीके है, बोले छठ पर है कौन है यार ये, मैं काम कर रहा हूं, काम के बीच में मेरे पापा ने मेरे को बोला है अपनी सारी पहलियों को सही से ठीक करो, उसके बीच में ये पता नहीं कौन आ गया है, जाके बैठ उधर कोने में आता हूं। बाइबल बताती है इसने अपने बैलों को छोड़ दिया और ये एलिया के पीछे आने लग गया। ये हारा हुआ एलिया, थका हुआ एलिया, जेजेबेल से भागने वाला एलिया, डरा हुआ एलिया, मगर सामर्थी एलिया। कई लोग सोचते हैं मैं अनॉइंटेड हो जाऊंगा तो मुझे डर नहीं लगेगा। एलिया की कहानी को पढ़ो, हर रोज की एक लड़ाई है। और ये बैलों को छोड़ देता है और एलिया के पीछे आता है। और एलिया भी उसको एटीट्यूड प्रॉब्लम है, क्यों बे तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं, जा। ये बोलता मैं अपनी मम्मी पापा को गुड बाय बोल के आता हूं, मम्मी पापा को चुम्मी दे के आता हूं, किस करके आता हूं कि पापा मैं जा रहा हूं। कहता नहीं नहीं टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है मेरे पास। इसके ऊपर बुलाहट आती, इसके ऊपर अभिषेक आता है। अभिषेक हम में से हर किसी के पास दिया गया है। आप अभिषेक का क्या करते हैं, आपके पास चॉइस है, आप खेत में लगे रहो या आपके पास चॉइस है कि जो बैलों के पीछे ये घूम रहा है उस क्या उसको क्या बोलते हैं, अरे हल को, उस हल को वो तोड़ता है, वो बैलों को मारता है, उनका मीट बनाता है, अपने घर में भी नहीं जाता, सारे मजदूरों को बुलाता है, उनको खिलाता है, बोलता है मैं चल रहा हूं। और वो एलिया की सेवा टहल करने लग गया। कई लोग हैं जिनको परमेश्वर, हमारे बीच में बैठे हुए कई सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर मिला, और जब भी परमेश्वर आपसे मिलता है आपकी जिंदगी वैसे के वैसे नहीं चल सकती। आपकी जिंदगी में बदलाव बहुत जरूरी है। एलिया यहां पर यीशु मसीह को दिखाता है और एलिशा शायद हम में से हर एक को दिखाता है। शायद मैं ऑफिस में काम कर रहा था, आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, आप अपने घर में चूल्हा चौका कर रहे थे, या आप अपने ऑफिस में बिजनेस में काम कर रहे थे, और उसी काम के बीच में एलिशा ये परमेश्वर प्रभु यीशु हमें मिला। मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा था, उसके बीच में परमेश्वर उसको मिलता है। याकूब अब अपने मामा के घर में जा रहा था, परमेश्वर उसको वहां पर मिलता है। काम के बीच में दाऊद भेड़ बकरियां चरा रहा था और समुएल को परमेश्वर भेजता है कि बुला के लेकर आओ और इसका अभिषेक कर। काम के बीच में हमको लगता है हमारा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, मगर सबसे जरूरी है कि आपको पैदा किसने किया। और एलिशा अपने सारे चीजों को छोड़ के एलिया के पीछे हो जाता है। कई बार हमारी जिंदगी में बुलाहटें आती हैं, कई बार हमारे पास अभिषेक आता है, मगर उस अभिषेक का आप करते क्या, जो काम हम पहले कर रहे थे वही काम हम करने लगे। ये बैल पता है किसको दिखाता है, बैल दिखाता है शारीरिक श्रम को, स्किन अपने अपने शरीर के द्वारा चलने को। ये बैल इसने पैदा नहीं किए थे, एलिशा के पापा के थे, उसके पापा के खेत थे। 12 जोड़ी बैल अगर खेत, तो इसका मतलब कम से कम हेक्टर हेक्टर खेत होगा। अगर 12 जोड़ी बैल आपको लग रहे खेत जोतने में, तो बहुत ही बड़ा खेत है। और ये एक सेकंड में जिन चीजों के पीछे ये चल रहा था, जिन बैलों के पीछे वे चल रहा था, इसको समझ में आता है। जैसे ही अभिषेक इसके ऊपर आता है, इसको समझ में आता है ये बैलों के पीछे चलने के लिए परमेश्वर ने नहीं मुझे बुलाया। हम में से बहुत सारे लोग बैलों के पीछे चल रहे हैं। कुछ बैल हमारी जेब के अंदर है, मोबाइल है एक बैल है, गांधी का नोट वाला एक बैल है, और भी बहुत सारे बैल है हमारे पास। कुछ लोगों के बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो बनी भी नहीं है, वो वाली गर्लफ्रेंड्स भी है, वो बॉयफ्रेंड्स भी है जो बने नहीं है, कुछ के पति है, किसके पत्नियां हैं, वो बैल है। इन बैलों के पीछे चल रहे हैं। परमेश्वर का अभिषेक इसके ऊपर आता है और ये समझता है जिसके पीछे मैं चल रहा है उसकी कोई हैसियत नहीं, जिस चीज के पीछे मैं भाग रहा हूं उसकी कोई हैसियत नहीं है।
कई बार हमारे ऊपर वो अभिषेक आया और हमें समझ नहीं आया, हमारे को समझ नहीं आया हमने कहां जाना, क्योंकि हमारा दिशा जो डायरेक्शन की जो ताकत है वो इतनी खराब है, हम परमेश्वर और आशीषों को नहीं समझ पाते। बाइबल बताती है अपनी बैलों को मार देता है, अपने लोगों के साथ उसको बांट के खा लेता है, बोलता है मेरे मम्मी पापा को बोल देना मैं मर गया। आज मालूम चला वो मरने के ऊपर खाना क्यों बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि आई एम सेइंग गुड बाय टू यू, कि गुड बाय है मेरा। तो उसी प्रकार से एलिशा गुड बाय बोलता है और अपने घर भी नहीं जाता, मेरे माँ बाप को बोल देना मैं चल दिया, और ये लेकर एलिया के पीछे चलने लगता, एक हारे हुए आदमी के पीछे, एक ऐसा आदमी जो अपनी जिंदगी को बात बचाता फिर रहा है, रोटियां भी उसको स्वर्गदूत खिलाते हैं, कभी कभी कौए खिलाते, कभी कौन खिलाता है, कभी विधवाओं में से रोटियां निकाल के खा रहा है, एक ऐसे आदमी के पीछे चलने लगता है। ये हमारे ऊपर जब अभिषेक आता है तो हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले कि हमारे को इसमें से कैसे फायदा मिलेगा। एक भाई साहब हमारे पास कुछ दिनों पहले आए, बड़े दुख के साथ मैं ये खबर आपको बताता हूं। वो बताते कि हम फलां जगह पर जा रहे थे और वहां पर अभिषिक्त दास के हाथ लगाने के 10,000 रुपए, 10,000 रुपए का कार्ड बनाएंगे तभी वो हाथ लगाएगा। अभिषेक को कितने पैसे में खरीदा आपने, कितने पैसे में खरीद, क्या कीमत लगाते आप अभिषेक का, क्या मार्केट वैल्यू होना चाहिए अभिषेक का? और लोगों ने उसका धंधा बना दिया। कलीसिया का जो पहला नींव का पत्थर है वो प्रेम है। अगर मैं तुम्हारे से प्यार नहीं रखूं तो कोई फायदा नहीं है। और यहां पर वो बैठे हुए थे भाई साहब, इस जगह पर, ये इसके पीछे, और मैं उसकी सुन रहा था और मेरा सर चक्कर खा रहा था। मैं कि ये हो क्या रहा है, और हम सब ने ये सिस्टम चलने कैसे दिया, हम में से कोई खड़ा क्यों नहीं हुआ, हम में से किसी ने बोला क्यों नहीं गलती है, ये गलत है, सबके सब उसी सिस्टम में जाए जा रहे हैं। हाँ, ये ऐसा है, चर्च कम है, वो शॉप मॉल नहीं समझते, दुकान हो गई है। आशीष की दुकान में क्या मिलता है? अच्छा, तुम्हारी दुकान का माल हमें पसंद नहीं आया। उमाकांतो, तुम्हारी दुकान ठीक है, मैं आऊंगा, तुम्हारी दुकान भी हमें पसंद नहीं आई। अंजलि, तेरी दुकान बढ़िया है, हंसने वाली दुकान है, गुड। उसके बाद सोफिया की दुकान में गए, सोफिया की दुकान है, 2 दिन है, ठीक है, बोर हो गया। अंजू सिस्टर की दुकान, वेरी नाइस, वेरी नाइस, अच्छा अच्छा। फिर बेबी की दुकान, हम दुकानों में जा रहे हैं, कलीसिया में जा रहे हैं। सबके हालात ऐसे हो गए। परमेश्वर की दुल्हन है कलीसिया, अगर कोई आपकी दुल्हन को छेड़ेगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, लाफा मारेंगे ना। और परमेश्वर की दुल्हन के साथ जब कोई छेड़खानी कर रहा है, हम हंस रहे हैं आज। यहां पर एलिशा एलिया के पीछे हो जाता, तू बैठ आराम से, अभी बुलाऊंगा तुझे, बैठ बैठ यहां पे बैठ, सेवा टहल कर, तू यहां बैठ आराम से बैठ, मजे ले, एनॉइंटिंग आया है, मजे लो अभी। आप सोचेगा जैसे ही एनॉइंटिंग आया एलिशा को तो एकदम तुरंत काम करना चाहिए था, मगर बाइबल बताती है उसने तुरंत काम नहीं किया, वो एलिया की सेवा टहल में लग गए। हेक्टर खेत वाला एक तिशबी आदमी की सेवा करने लग गया। ये मेरा दिमाग खुद ही, मतलब अपने आप में मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है जी। उसके बाद ऐसा होता है कि एलिया को परमेश्वर यूं कहता है कि मैं तेरे को उठाने वाला या तेरे को मारने वाला हूं। और पिछले बार अगर हम आप मेरे साथ थे तो आपने इस बात को पढ़ा होगा, और पहला दूसरा राजा कि 2 में हम इसको देखेंगे, आप घर जाके इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा समय की कमी है, कि एलिया को परमेश्वर का आत्मा उठाने जा रहा है और एलिया एलिशा को कह रहा है तू मेरे से दूर हट जा, मैं आज बैथल जा रहा हूं। तो एलिशा बोलता है मैं तेरे साथ बैथल जा रहा हूं। एलिशा को बोलता है मैं होरेब जा रहा हूं, तो बोलता है मैं भी तेरे साथ होरेब जा रहा हूं। फिर बोलता है मैं जेरिको जा रहा हूं, बोले मैं भी तेरे साथ जेरिको जा रहा हूं। और इतनी बार एलिया इसको झिड़के जा रहा है। जिस समय से एलिया और एलिशा मिले हैं, एलिया एलिशा को डांटे जा रहा है, गाली दिए जा रहा है, अपने पीछे से हटाए जा रहा है, मगर ये अभिषेक को समझता है। इसकी जिंदगी बदल गई जब एक फटा हुआ चिथड़ा इसके ऊपर गिरा। इसने अपना सारा सब कुछ छोड़ दिया
और एलिया के पीछे हो लिया। सुनो, आपको अगर अभिषेक पाते आप चर्च में पता है क्या किसकी सेवा करते हैं? मेरी नहीं, जितने वॉलंटियर्स हैं वो मेरी सेवा नहीं करते, इस कलीसिया के ऊपर जो अभिषेक है उसकी सेवा की जाती है। क्योंकि आप जिसकी सेवा करोगे आपको वही चीज मिलता है। अगर आप मेरी सेवा करेंगे मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मगर जब अभिषेक की हम सेवा करते हैं अभिषेक आपको आगे लेकर जाता है। और यहां पर ऐसा ही हो रहा था, ये अभिषेक की सेवा करने लगा और अभिषेक इसको डांटने लगा, गेट आउट, मेरे पीछे से हट जाओ, कहता मैं नहीं हटता। फिर आखिर में एलिया उकता गया और कहता तुझे क्या चाहिए? ये कहता है मुझे तेरा डबल अभिषेक चाहिए। कहता ये तूने बहुत बेकार चीज मांग ली, मगर अगर तू मुझे देखेगा कि मैं रथों में उठा लिया गया तो ऐसा ही होगा। दूसरा राजा में आप पढ़ेंगे कि ऐसा ही हुआ, एलिशा ने एलिया को ऊपर जाते हुए देखा और उसके ऊपर डबल अभिषेक आ गया। आप अभिषेक के पास रह सकते हैं, और बाइबल बताती है वहां पर और भी दास थे, और भी लोग थे जो दूर खड़े थे, अभिषेक के पास भी नहीं आए। उनको लगा कि कोई चक्रवात, कोई वो जो वर्लविंड होता है, वो एलिया को उठा के ले गया। मगर आप अभिषेक में आकर अगर अभिषेक से आप दूर खड़े रहेंगे तो आप बरकत को नहीं पाएंगे। अगर आप सही में अभिषेक को पाना चाहते हैं तो आपको अभिषेक के करीब रहना पड़ता है। पिछले हफ्ते मैं दे रहा था आपको एग्जाम्पल कि आप के फोन का अगर चार्जर नहीं है, अगर चार्जर की तार नहीं है तो आपका फोन बेकार। तो कोई ना कोई चीज आपको अभिषेक के साथ जोड़े रहने चाहिए। और यहां पर ऐसा ही हो रहा था कि परमेश्वर के पास एक रोल था कि एलिया को वो उठाने वाला था और एलिशा को वहां पर लाने वाला। एलिशा के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने बैलों के पीछे ही लगा रहता, वो एलिया के पीछे नहीं जाता, मगर एलिशा ने उस बात को छोड़ दिया और वो परमेश्वर के पीछे चला गया। रोमियो 8 उसका 29 से पढ़ेंगे। कई बार हमारी जिंदगी में यह मौका हमारे को मिलता है कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करना चाहता है, मगर हमारे को लगता है कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कैसे करना चाहता है। परमेश्वर को जैसा फलां फलां के साथ हो रहा है वैसा मेरा इस्तेमाल होना चाहिए, मगर आपको क्या मालूम है कि परमेश्वर आपका यूनिक तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, एक अलग तरीके से, जैसे उसने किया नहीं, क्योंकि परमेश्वर कॉपी नहीं करता, परमेश्वर हर चीज को नया बनाता है। और यहां पर यूं लिखा है, 29 से पढ़ेंगे हम इसको, 28 से पढ़ते हैं, आइए, रोमियो 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो इसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हर एक बात भलाई को उत्पन्न करती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर एक बात भली होती। यूसुफ का जेल में जाना क्या भला था? यूसुफ के ऊपर व्यभिचार का केस लगना क्या भला था? और यहां पर यह लगता है कि उनके लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए जाते हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है और उसके पुत्र के स्वरूप में होकर, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया है बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। ये एक इस तरीके से है कि शायद आपके मम्मी पापा को नहीं पता कि उन्होंने आपको क्यों पैदा किया। उनको एक बच्चा चाहिए था, उन्होंने एक बच्चा पैदा कर दिया, मगर परमेश्वर जानता है कि उसने आपको क्यों पैदा किया। वो आपके नाम को जानता है। यहर्मिया को कहता है कि तेरी मां की कोख में आने से पहले मैं तुझे जानता था। तो कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहां पर अपनी मां की कोख में आने से पहले आप थे। परमेश्वर ने आपको किसी ना किसी कारण से सिरजा है। अपने आजू बाजू नजर उठा के देख लीजिए, आपको क्या मिलेगा जो बिना कारण से है? आपके अंदर अगर इस प्रकृति के सिस्टम को देखेंगे ना, तो वहां पर कीड़े भी किसी कारण से लगाए गए हैं, दीमक भी किसी कारण से लगाई गई है, फूल पंछी पक्षी हर एक चीज किसी ना किसी कारण से लगाए गए हैं। और आप भी यहां पर जो बैठे हैं किसी ना किसी कारण से बैठे। ऐसा कितने नौकरियां होंगी जिसमें पहले वो आदमी को बुलाते हैं, आ जाओ जी बैठो, अब हम आपके लिए नौकरी ढूंढेंगे। आपके पास पहले जरूरत होती है और उसी के बाद आप किसी को बुलाते हैं कि यार ये बंदा मेरे काम आएगा।
परमेश्वर को आपकी जरूरत है। कुछ लोग यूं कह रहे हैं कि खाली ये खास आदमी, खास खास लोग करेंगे, मगर बाइबल उठा के देख लीजिए, सारे आम लोग ही हैं। कोई मछुआरा है, कोई बैल चला रहा है, कोई भेड़ बकरियों का देखभाल कर रहा है, आम लोग हैं। मगर हम आम से खास तब बनते हैं जब हम अपनी बुलाहट को पहचानते हैं कि हमारे बुलाने वाला कौन है। आज अगर आपको सबको एक लेटर आ जाए कि आपको पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है, सब सर के बल चले जाएंगे दिल्ली, बिना टिकट के भी चले जाएंगे, टिकट नहीं मिल रही ट्रेन के ऊपर लेट के चले जाएंगे। मगर आज परमेश्वर आपको बुला रहा है कि आप मेरे राज्य में आओगे। जब परमेश्वर एलिशा से मिलता है, वो अपने बैलों के पीछे चल रहा होता है। हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों के पीछे चल रहे हैं, कुछ शराब के पीछे चल रहे हैं, कुछ नशे के पीछे चल रहे हैं, कुछ व्यभिचार के पीछे चल रहे हैं, कुछ पैसों के पीछे चल रहे हैं, कुछ अलग अलग चीजों के पीछे चल रहे हैं। क्योंकि जब परमेश्वर आपसे मिलता है, आपकी जिंदगी बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, आप वैसे के वैसे नहीं रह सकते। क्योंकि हम परमेश्वर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं नाव के अंदर बैठ के। पीटर, अगर तू परमेश्वर है तो तू मेरे को पानी पर चला, पानी पर चलेगा तो तभी जब नाव से बाहर आएगा। 11 और थे पतरस के साथ, 11 के 11 बोलते पतरस मत जा, मर जाएगा, मगर पतरस बोलता है मैं तो बाहर जाऊंगा, क्योंकि जिस हालात में मैं बैठा हूं वहां पर परमेश्वर का असर एक्सपीरियंस मैं कर नहीं पा रहा हूं। जिस नशे के पीछे आप फंस गए हैं, जिस गलत संगति में आप फंस गए हैं, गलत कलीसियाओं में आप फंस गए हैं, गलत प्रचारों में आप फंस गए हैं, गलत जगहों पर आप फंस गए हैं, क्योंकि आप वहां पर बैठे हैं, कंफर्ट है, आराम से बैठा रहे भाई, इस स्थान बैठा रहे। शैतान आपको बिठा देना चाहता है, परमेश्वर बोलता है खड़ा हो, स्टार्ट वॉकिंग, मेरे साथ चलो, खड़ा हो। एलिशा बोलता था कि ये खड़ा हो एलिशा, ये चिंदी है, ये क्या है, ये चिंदी है, मेरा बाप पापा को बोलूंगा इससे बढ़िया बना के देगा मेरे को। मगर उसको इस चिंदी का मोल समझ में आया, कहता ये चिंदी ऐसा ही नहीं हुआ है। कितने लोगों को आप जानते हैं जो आज अन्य भाषा बोल रहे हैं? हाँ, कितने लोगों को जानते हैं जिनकी आराधना में लोग चंगे हो रहे हैं? कितने लोगों को जानते हैं कि आप मुंह से एक अल्फाज बोलते हैं, लोगों के अंदर विश्वास आ जाता है? कितने लोगों को आप जानते हैं कि आपके बोलने से लोगों के गम दूर हो जाते हैं? कितने लोगों को आप जानते हैं? अगर ये आप हैं तो अपने बैलों को आज मार डालो। कब तक उन बैलों के पीछे चलते रहोगे? तुमको बैलों के पीछे चलने के लिए नहीं बुलाया गया। किसी को मेरी गल समझ आ रही है? 9 to 5 जॉब, सेल्स वाला जॉब, ये सब बातें जरूरी है, मैं मानता हूं ये सब बातें जरूरी है, मगर आपकी बुलाहट को आप पहचानना सीखिए। सब यहां पे पासवान होने के लिए नहीं बुलाए गए। कुछ यहां पे अपने मार्केट प्लेसेस में, अपने ऑफिस में जाकर भी काम करने के लिए बुलाए गए हैं। कुछ लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है कि आप हाउसवाइफ बने। अगर समुएल की मां उसको मंदिर में नहीं छोड़ती थी तो समुएल नहीं बनता था। कुछ माओं को परमेश्वर यहां पर खड़ा कर रहा है कि अपने समुएल को मंदिर में छोड़ के आओ। कुछ एलिया को यहां पर परमेश्वर खड़ा कर रहा है कि अपना कपड़ा एलिशा के ऊपर डालो, मगर एलिशा को पहचानना जरूरी है। एलिशा को बोल रहा है कि सब कुछ छोड़ो, एलिया के पीछे दौड़ो। आप बुलाए गए हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। अगर आप यहां पर हैं, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि किसी को परमेश्वर ने बुलाया नहीं है। आपके प्लान्स हो सकते हैं, मेरा प्लान है मैं 24 साल तक मौज करूंगा, 25वें साल मैंने अपनी पहली गिरवी रख के कनाडा का वीजा भरना है, 26 साल तक मैंने तो कनाडा चला ही जाना है, और उसके बाद तो फिर मौजा ही मौजा, एक व्या इंडिया एक व्या कनाडा में, डबल मौज। आज परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है कि अपनी बुलाहट को पहचानो, अपनी बुलाहट को आप पहचानो। आप हाई कॉलिंग, ऊंची बुलाहट से बुलाए गए। आप कैसे अभिषेक को नकार सकते हैं? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग अभिषेक को नकार रहे हैं, इसीलिए हम बैलों के पीछे चल रहे हैं। यहां पे बहुत सारे लोगों ने अपने घर में डंगर रखे होंगे, है ना? बैलों के पीछे चलना कैसा है डैनी? बैलों के पीछे से क्या मिलता है? कुछ तो मिलता ही होगा। क्या मिलता है? गोबर।
गोबर पंजाबी में क्या कहते हैं? गोया। आप बैलों के पीछे चलोगे आपको गोया ही मिलेगा। ये आप अंडरलाइन कर लो, इसके लिए आपको पास्टर होने की जरूरत नहीं, साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं। जाहिर सी बात, खुदा के पीछे चलोगे आपको अनंत जीवन मिलेगा, बरकत वाला जीवन मिलेगा, और अपने जीवन से चार जिंदगियों को और बदल पाओगे। हिंदुस्तान में बोलते हैं डॉक्टर भगवान का रूप है, मगर परमेश्वर ने आपको अपनी जगह पर खड़ा कर दिया है। आपको मालूम है एम्बुलेंस का नंबर क्या है? हाँ जी, 108। पक्का पक्का, पंजाब में यही चलता है, सब जगह पे 108 ही है भारतवर्ष में। आपको मालूम है आप चलता फिरता एम्बुलेंस है? मती 10:08। आप चलता फिरता एम्बुलेंस है? बोलो मैं एम्बुलेंस हूं। एम्बुलेंस का क्या काम है? मरीजों को बचाना। पढ़ देने इधर क्या लिखा है, मती 10:08 यूं कहता है, बीमारों को चंगा करो, हाँ, मेरे मरे हुए को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, तुमने सेतमेंत पाया है, फ्री में पाया है, उसके लिए कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। कोई तो बोले हालेलुया। फ्री में पाया है। एम्बुलेंस क्या है? एम्बुलेंस है ये, आप चलता फिरता हुआ एम्बुलेंस है। आप समझो आपके ऊपर क्या चीज परमेश्वर डालना चाहता है। उस चिंदी को छोटा मत समझो, वो चिंदी बहुत कीमती है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से होकर निकला है, मुसीबतों में से होकर निकला है, तब जाके ये चिंदी तुम्हारे ऊपर आया है। इस चिंदी की खासियत को पहचानो। मैं चलता फिरता एम्बुलेंस हूं, परमेश्वर ने मुझे इन छोटे छोटी जगहों पर छोटे कामों के लिए नहीं बुलाया है, बड़े काम करने हैं, जिंदगियां बनानी है। जिंदगियां पैदा तो कोई भी कर सकता है, मगर बनाने वाले बहुत कम है, बनाने वाले बहुत कम है। परमेश्वर ने आपको उस बुलाहट से बुलाया है कि आप जिंदगियों को बना सकें। सब लोग ठंडे पड़ गए। इनसे पूछ कि जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इनको कुछ भी बोलता है और सीधा सीधा प्रेस्क्रिप्शन लेके घर में आके बिना सोचे समझे वो गोलियां खा जाते हैं, करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। सोचते भी नहीं है कि जहर खा रहा हूं क्या खा रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर जी ने बोला है। परमेश्वर ऐसा पावर आपको देना चाहता है कि आप लाइफ को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। ये डॉक्टरों के पास भी नहीं है। आप अपनी बुलाहट को पहचानिए। अभिषेक के करीब आकर भी आप वैसे ही कामों में फंसे रहे, वैसे ही जगह पर फंसे रहे, तो कोई फायदा नहीं। क्या आप अपनी जिंदगी का कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं? Yes. 1% लोग, बाकी सारे जी करना चाहते हैं? Yes. बोलो मैं एम्बुलेंस हूं। मती 10:08 सब मिलके पढ़ेंगे मेरे पीछे। पंजाबी में है किसी के पास? पंजाबी में है? पंजाबी पढ़नी आती है तेरे को? जा एक एम्बुलेंस लेके आ, जा बोला बोला आंटी से ले, अंजू आंटी से ले, इधर ले, इधर आ। ऐसे होता है ट्रेनिंग, रखो इधर। अब पढ़ो, जोर से पढ़ो और सबको बताओ, बताओ क्या है मती, यही है 10:08। 8 कहाँ गया? ये हाँ जी, पढ़। रोगियां नु चंगा करो, जोर से बोल, ये सुन नहीं रहे हैं। रोगियां नु चंगा करो, समझाई? किसनु चंगा करो? रोगियां नु। किसनु? कौन करेगा? मैं नहीं, हम। कौन करेगा? हम। कौन करेगा? हम। किसके बारे में लिखा है? हमारे बारे में। नहीं तो बैलों के पीछे चलो और गोया उठाते रहो सारी जिंदगी भर। चलिए पढ़िए। रोगियां नु चंगा करो, मुर्दियां नु जिलाओ। किसको जिलाओ? मुर्दियां नु। कितने सारे मुर्दे लोग आपके आजू बाजू घूम रहे हैं इस समय? अगर नशे में पड़ा है वो वैसे ही मर गया है, व्यभिचार में पड़ा है वो मर गया है, दुष्टात्मा में ग्रसित है वो मर गया है। परमेश्वर आपको बोल रहा है इनको जिंदा करो, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। पढ़ो,
कोड़िया नु शुद्ध करो ते भूतां नु कड्डो। भूतां नु कड्डो किसनु? भूतां नु। संजो के ना बैठो। हाय माय फ्रेंड, कड्डो। तुसा मुफ्त ले आया है ते मुफ्त ही दो। की बात कर रहा है, ऐसे लिखा है? हाँ जी। हाँ जी यार, किसी का धंधा आज बंद होने वाला है। किसी का पक्का धंधा आज बंद करवा के रहूंगा मैं। कलीसिया प्रेम के लिए बनी है और हम में से कोई भूल ना जाए। आमेन। लोगों की एक मेंटालिटी है कि जहां पे भीड़ है हम वहां पे चलें। परमेश्वर ने इसको भीड़ में से अलग किया। एलिशा को साइड में, 12 जोड़ी बैल के पीछे पीछे चलने वाले को बोला, तू साइड में, तू साइड में हो, खड़ा हो, क्योंकि तेरे को भीड़ के लिए नहीं, भीड़ के आगे चलने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने आपको पूंछ बनने के लिए नहीं, सर बनने के लिए बुलाया। इस बात को आप समझे, भीड़ में भेड़े चलती हैं, भेड़ चाल, और परमेश्वर की भेड़ जो है वो अगवाही। अगर क्या बोलते हैं, जैसे पास्टर बता रहे थे कि कार्ड बनाने के 10,000, तो जब हम 10,000 दे देते हैं ना, हमको आधा तो वहीं लगता है चंगाई मिल गई। क्यों? क्योंकि हमने बड़ी फीस दे दी। तो अगर कोई बड़ी फीस मांग रहा है, कार्ड के इतने पैसे मांग रहा है, उसके पास अभिषेक ज्यादा होगा तो मैं चंगा, या जो भी मेरा छुटकारा जल्दी मिल जाएगा। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिसकी फीस 100 रुपए हो, 50 रुपए हो, आप सोचेंगे कुछ नहीं है। जब 500 रुपए, 1,000 रुपए जेब से निकल जाए तो लगता है इस डॉक्टर को अच्छा ज्यादा पता होगा। आधी बीमारी वहीं आपको लगता है, अरे मैं तो ठीक महसूस हो रहा है। बड़े हॉस्पिटल में घुसते ही लगता है, अच्छा मैं तो ठीक ही हो रहा हूँ, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा ही क्या बोलते हैं, हम जब सेवकाई या अभिषेक की बात करें, लोग जब पैसा मांगते हैं और आप ज्यादा पैसा देते हैं, आपको लगता है अभिषेक ज्यादा है, कहाँ आ गए हम, छुटकारा मिलेगा। तो ऐसा ही ये दिमाग में साइकोलॉजी चलती है। हम जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अगर डॉक्टर के आसपास 3-4 नर्सें हों, पहले आप जाके किसी को दिखाओ, उसके बाद तो हमारा भी चलता है, अच्छा ये तो बड़ा डॉक्टर है, इसको काफी पता होगा। डॉक्टर लोग भी, पास्टर लोग भी, और ज्यादातर जो लोग आप देखें जिनको थोड़ा सक्सेस, जो आगे बढ़ते हैं, उनको ये दिमाग की साइकोलॉजी समझ में आती है कि कैसे लोगों का दिमाग चलाया जाए। तो वो भी अपने, कभी मंत्री अगर कहीं पे जाता भी है, वो अपने आसपास 3-4 वो रखता है गनमैन, या नहीं वैसे ही 3-4 मेरे पीछे चलो। मैं ऐसे किसी को जानती हूँ, एक लड़का, उसके पास घर में खाना देने के लिए, राशन खरीदने के लिए पैसा नहीं है। उसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, वो जब हॉस्पिटल भी जा रहा था अपनी पता नहीं भांजी को या किसी को दिखाने के लिए, हॉस्पिटल जाना था, उसने दो लड़कों को बोला, मैं तुझे 200-200 दूंगा, मेरे साथ चल, क्योंकि अगर दो लोग साथ में चल रहे हैं तो लगेगा कोई खास आदमी है। राशन खरीदने के पैसे नहीं है, मगर वो जब हॉस्पिटल में घुस रहा है, कोई सोचेगा देखो कौन आया है। तो ये साइकोलॉजी है, और जो ये साइकोलॉजी समझ जाते हैं वो लोगों को चलाने लग जाते हैं। मगर हम ऐसे ना बने जो लोग हमको चला पाए। तो हम इसलिए इस बात को समझें, अभिषेक परमेश्वर के द्वारा है। जो अभिषेक हम जिस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, वो पवित्र आत्मा जैसा परमेश्वर कहता है उस तरीके से इस्तेमाल करना है। इसलिए वचन जानना बड़ा जरूरी है। अगर बेवकूफ नहीं बनना, पढ़ा लिखा होना बड़ा जरूरी है। अगर परमेश्वर के कार्य में भी बेवकूफ नहीं बनना, वचन जानना बड़ा जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे, पिता जो बुलाहट से तूने हमें बुलाया है, वो बुलाहट हमारी जिंदगियों में कायम हो। पिता हम लोगों के लिए प्रभु जी एक जिंदा मिसाल बने, हम सेवा करने वाले हो पिता, क्योंकि सेवा का प्रतिफल है। मत्ती 19 में हम एक कहानी पढ़ते हैं, जो एक अमीर राजा है, वो यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह को कहता है कि जिंदगी की कुंजी क्या है। यीशु मसीह बताता है अपने माँ बाप की इज्जत करना, और ये सबत का दिन, और ये और वो सब बातें हैं। ये कहता है, ये तो मैं बचपन से ही मानता आया। यीशु मसीह इस राजा को कहता है कि तू अपना सब कुछ बेच और गरीबों को दे दे। बाइबल बताती है कि ये राजा वहां से दुखी होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। एक एलिया था जो अपना सारा धन छोड़ के, एलिशा था जो अपना सारा धन छोड़ के एलिया के पीछे चलने लगा, और एक ये राजा था जो यीशु मसीह के आमने सामने आया और यीशु मसीह को छोड़कर चल दिया। ये दो केसेस हैं जिनमें से दोनों को अपनी बुलाहट को अलग रीति से इन्होंने जवाब दिया। एक ने अपनी बुलाहट को जवाब दिया कि मैं फॉलो करूंगा, दूसरा यीशु मसीह को छोड़ के चल दिया। हम अपनी बुलाहट को आज समझें,
आप चाहे कोई भी हो, आपकी उम्र कुछ भी है, आपके हालात कुछ भी हैं, आप शायद किसी भी गलत जगह पर गलत संगति में फंसे हैं, गलत बातों में फंसे हैं, मगर वो जब चिंदी आपके ऊपर आता है आपके हालात बदल जाते हैं, आपके हालात बदल जाते हैं, आपकी जिंदगी वैसी रह नहीं सकती गोया उठाने वाली, आप आगे चलने लगते हैं, उन बातों से आगे बढ़ जाते हैं, उन बातों को कई पीछे छोड़ देते हैं। आज यही सवाल है कि आज आप उन बैलों के पीछे चलोगे या उन बैलों को आज साइड करके परमेश्वर के पीछे चले। आइए अपनी आंखें को बंद करें और परमेश्वर के सामने हमद और सना करें कि पिता मैं जानता हूं कि तूने मुझसे प्रेम किया है, तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझे बुलाता है पिता, तू मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है पिता, तू मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है, तुझे मुझे ऊंची बुलाहट से बुलाया है। परमेश्वर आज मेरे दिमाग को आजाद कर, आज मेरी बुद्धि को आजाद कर, ताकि मैं इस चिंदी को समझ पाऊं जो तूने मेरे ऊपर डाली है। देखने में ये शायद सुंदर नहीं है, देखने में ये शायद वैसी नहीं है जैसी मैं सोचता हूं, मगर मैं जानता हूं ये गहरी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है मेरे लिए, ये सामर्थी है मेरे लिए, ये ताकतवर है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे हालातों को बदल देगी, ये मेरे हालातों को बदल देगी। दिखे रोमांत के सीते रिवाह सिगेनो बहाती शीते रबा संगा रहते नहीं दूरा बा शिके तो कोम बहाते रसी रिबानशी हतो रबा लकांतो रोशुतो काए सम्मान। आज हर एक ऐसा ताकत जो आज जादू टोने से आपके विरोध में काम कर रहा है आज यहां पे तोड़ा जा रहा है, आज यहां पर वो टूट रहा है यीशु के नाम से, आज वहां से टूट रहा है। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों के घर में अंधकार की ताकतें काम कर रही हैं, वो आज टूट रही हैं यीशु के नाम से, कुछ लोगों का दिमाग खुल रहा है यीशु के नाम से, कुछ लोगों के शरीर खोले जा रहे हैं यीशु के नाम से। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा को पुकारिए, पवित्र आत्मा को पुकारिए। मैं खास तौर पे एक चीज देख पा रहा हूं, जहां पे लहू बह रहा था, जहां पर लहू बहने की बीमारी थी वो आज चंगी हो रही है यीशु के नाम से। एक तलवार से लहू बह रहा था मगर परमेश्वर ने वो लहू को ढप दिया है यीशु के नाम से। उखारा बनते रे सीते की से रूशाम पकाते रे नशी तीरा बा हाते रे नतीस रुकू संत हम पा शीती की रुगो नशा। अपने मुंह को खोलिए, अपने मुंह को खोलिए और भविष्यवाणी करिए, अपने मुंह को खोलिए और अपने हालातों के ऊपर भविष्यवाणी करिए। कहिए जो चीजों को आप देखना चाह रहे हैं। मैं नशे से बाहर आना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से, मैं बुरे कामों से बाहर आना चाहता हूं यीशु के नाम से, मैं झूठ से बाहर आना चाहता हूं यीशु के नाम से, दलदल से बाहर आना चाहता हूं यीशु के नाम से, उखारा बतेरे में गरीबी से बाहर आना चाहता हूं यीशु के नाम से। आपकी बुलाहट छोटी नहीं है, परमेश्वर ने आपको ऊंची बुलाहट से बुलाया है, ऊंची बुलाहट से बुलाया है। मैं कितने ही एलिशा को यहां जानता हूं जो यहां बैठे हैं, कितने ही एलिशा यहां पर बैठे हुए हैं, कितने ही एलिशा यहां पर बैठे हुए हैं जो आज अपने बैलों को आज जला देना है, आज उन बैलों को जला देना है। तुझे शराब की जरूरत नहीं है, तुझे शराब की जरूरत नहीं है, तुझे शराब की जरूरत नहीं है, तुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। सिक्का रामहन तोशी तुझे दवाइयों की जरूरत नहीं है। धीरा बातो सी